भैया लोकल हो गया आप? तो ये जंगली रिजोर्ट यही है? जंगली रिजोर्ट बहुत आगे आ जाओ, पीछे पीछे वहीं जा रहे हो आप? नहीं, मेरा घर ना जंगली रिजोर्ट से 1 किलोमीटर पीछे। अच्छा अच्छा अच्छा, हमें पता है, हमारे हमारे ग्राम सभा में पड़ता है। अच्छा अच्छा, आप आ जाओ, मंदिर है विवेक विवेक जी का है ना वो? हाँ वही वही हिंदवासिनी मंदिर पड़ेगी जी। ठीक है, रास्ता ऊपर को नदी चली जाती है। ठीक है, इधर को चले जाते हैं, बाएं हाथ को चले जाना सीधे नदी नदी, वहाँ पे फिर नदी नदी जाके वहाँ पे एक डबल नदी आएगी, फिर एक नदी ऊपर को जाती है, एक सीधे ऊपर को जाएगी। ऊपर को नहीं जाना, इधर को दूसरी नदी जानी है, लेना हाथ में रिजोर्ट है जंगल। ठीक है, तो भाई यहीं से जाना है, मेरा रास्ता तो यही है, क्योंकि ये बाइक वाले भाई कह रहे थे कि बहुत ज्यादा है यहाँ पे, फॉक्स बहुत ज्यादा है, ये चार पांच इकट्ठी हो गई। हाँ भाई, फॉक्स बहुत है यार यहाँ तो। फॉक्स का तो यार मैंने किसी से भी नहीं सुना था, सब टाइगर का और लेपर्ड का, वाइल्ड बोर और इन सब का बताते थे यार। वो बाइक वाले भैया तो बहुत फास्ट जा रहे हैं, हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं। एक शूट भी करना है ना, लाइक शूट नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या, पर थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। सीधा ही रास्ता होगा वैसे तो, आगे से भी गाड़ी आ रही है। वैसे सोचने वाली बात है, रास्ता कहाँ से बना रखा है, कैसा बना रखा है? कच्चा रास्ता है बिल्कुल, ये बना नहीं रखा, मतलब ये तो अभी तो बना रखा खैर, बट जैसे क्या सीन होता है ना यार, हर मौसम में बदल जाता है। बारिश आई, रास्ता वो पानी इकट्ठा हुआ, रास्ता खत्म। फिर जब पानी सूख जाता है तब दोबारा रास्ता बनाते हैं रिवर बेड में। गाड़ी वालों से ये भी रुक के कोई ना, सीधा ही तो है। तो कंफर्म है भाई यही है रास्ता। रात कितनी भयानक होगी यहाँ पे, ये सोच के देखो यार। मोर मेरे राइट में ना मोर है, बट काफी दूर है यार, कैमरे में नहीं दिखेंगे। रास्ता तो बड़ा भयानक है भाई, रात को यहाँ थोड़ी सी गेड़ी मारने आएंगे भाई, देखते हैं कोई जंगली जानवर, बोलते हैं लेपर्ड वगैरह रात को ज्यादा निकलते हैं। पानी तो कहीं नहीं मिला यार मेरे को, यहाँ पानी भी मिलना था रास्ते में, शायद यही है वो तालाब सब में बोल रहा था ना। हाँ यही है भाई, यही रास्ता है यार, ये उतर के ना क्लियर करा भाई, पानी ज्यादा गहरा नहीं है, पत्थर है बस यहाँ, इजिली ये स्लोली निकल जाएगी निकल। ये भाई ये गाँव वालों के लिए ना नाला है यहाँ, मतलब नाला इन द सेंस कैनल बोल लो आप, नहर बोलते हैं इसको, तो ये गांव वालों के लिए है यहाँ से पीने का और हर चीज तरह का पानी जाता है यहाँ से। ये रिवर क्रॉस करनी है अभी हमें, कभी हम रिवर के उस साइड होंगे, कभी हम इस साइड होंगे। बिल्कुल भाई, काट काट के रास्ता बना रखा है,
मिट्टी को सामने देखो पहाड़ क्या क्या नजारा है यार। ओ भाई साहब रोड पे मोर भाई दिख रहा है, जूम जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा यार, पास जाए कभी भाग ना जाए वो, मैं जूम करके दिखाता हूँ दिख जाए तो। देखो वो रहा मोर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है थोड़ा सा, टेल दिख रही है मोर की। बट भाई ने यहाँ एक और टोकला में यहाँ ना ज्यादा देर रुकने के लिए ना मना किया है सबने कि ज्यादा देर एक जगह खड़े ना रहो, मतलब हाथी वगैरह है ना भाई यहाँ तो, हाथी वगैरह सनकी होते हैं ऐसा बता रहे थे भाई लोग मेरे को कि ज्यादा देर खड़े मत रहना। और जैसे यहाँ पेड़ और टहनियाँ टूटी पड़ी है ना तो लग रहा है हाथियों का रास्ता है, यहाँ हाथी आते जाते रहते हैं। पर वो कहीं इतना बड़ा वो दिखे ना पोटी तो बताइए वो हाथी की होती है, हाथी को पता लग जाए। रास्ता तो बंद कर रखा है तो रास्ता तो फिर यही है, हाँ यहाँ बंद कर रखा है यहाँ से भाई। फिर से आ गए ओपन में, यहाँ ओपन में सही है यार, हाथी वगैरह ना दूर से ही दिख जाएंगे हमें अगर कुछ होगा ऐसा तो। यार हमने एक गलती कर दी यार, अभी देखते हैं। ओ भाई साहब एक और आ गया भाई, रिवर क्रॉसिंग, रिवर क्रॉसिंग। ये तो भाई रिवर के अंदर ही घुसानी है भाई बिल्कुल। वाह मेरे भाई क्या लोकेशन है यार, इस साइड से चले हैं, टायरों के निशान तो उस साइड से, उस साइड से बाइक के हैं बट नहीं कोई कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा गहरी नहीं है ये। अरे ज्यादा गहरी तो नहीं है बट पत्थरों पे चलाना ठीक भी नहीं है ना भाई, अभी हम रिवर के अंदर चल रहे हैं भाई, यहाँ पत्थर हैं बिल्कुल। अरे आराम से निकल रही है यहाँ से तो, बिल्कुल हल्की हल्की रेस भी नहीं दे रखी यार मैंने, क्लिच क्लिच में निकल रही है, क्लिच पावर में। और भाई यहाँ से ऐसे चढ़ गई, अरे यार प्लास्टिक की बोतल टांग रखी है यार पेड़ पे किसी ने यार, ये चीजें करनी जरूरी है यार इतनी खूबसूरत लोकेशन पे भी प्लास्टिक डालना। मैं भाई बाइक से आ रहे हो तो एक पॉलिथीन में डाल लो, गाड़ी में आ रहे हो तो गाड़ी में डाल दो यार। भाई अभी मेरी भी फटनी शुरू हो गई, 5 बज गए भाई, हमें खाना कब खाएंगे और कब सोएंगे, पहुंचेंगे कब। खाने की दिक्कत क्यों बता रहा हूँ, खाना वहीं खाना पड़ेगा रिसोर्ट में, बस खाना मिल जाए यार वहाँ, बाकी बुकिंग तो वहाँ फुल थी तो मिल ही जाएगा। रिस्की है अभी, ये दिख रहा है, दिखा आगे कुछ किसी जानवर की हड्डी है और वहां शायद वो कंकाल, नहीं वो तो पेड़ है, इतना रिस्की है बस यहाँ, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा रिस्क होता ही नहीं कभी। ओ भाई साहब फॉक्स कितनी क्लोज से देख रहा हूँ यार मैं फॉक्स को, अभी दिखाता हूँ भाई। देखो भाई हो रही फॉक्स, ये ना शायद गाड़ी को देख के भाग रहे हैं भाई। मैंने बोला था ना या ना ये नदी है, जो नदी में पानी वगैरह पीने आते हैं जानवर, यहाँ राजा जी क्या उस साइड से निकल, हाँ उस साइड से थोड़ा कम है तो ये राइट से थोड़ा पानी ना कम है और पत्थर भी कम है राइट में तो राइट से निकालते हैं भाई। निकल तो वहां से भी जाती बट क्या है ना ये फॉक्स बैठा है, क्या बैठा है पत्थर है वो कुछ नहीं है, तो ये पेड़ गिरे हुए पेड़ गिरे हुए
बियर गिरा रखी है या क्यों गिरा रखी है ऐसी चीजें? और भाई ये आया फुल ऑफ रोडिंग वाला सीन, बिल्कुल ऊंचाई से नीचाई तक। हाँ वृद्धवासिनी टेम्पल आ गया, जंगली रिजोर्ट थोड़ा और आ गया है। वृद्धवासिनी टेम्पल के पास पहुंचने वाले हैं भाई, उससे थोड़ा ही आगे है बस, फिर सही चल रहे हैं हम। खाने पीने का सारा सीन है वृद्धवासिनी टेम्पल के पास। बस ये एक चीज तो है, रात को हम ड्राइव कर सकते हैं क्योंकि तो हमें सब दिख गया ना अब। एक बार चलने के बाद पता तो चल जाता है। हमें घने जंगल में क्यों जाना है? यहाँ से भाई क्रॉसिंग रिवर की फर्स्ट गियर में डाल लेता हूँ मैं। ये थोड़ा ज्यादा पानी था भाई यहाँ पे, यहाँ थोड़ी ज्यादा गहरी भी थी, तो भाई निकल तो गए आराम से। ये यहाँ पे वृद्धवासिनी टेम्पल पे आई होगी ये फैमिली। ये क्यों खड़े थे भाई यहाँ? ये रिवर को ही देख रहे थे क्या? कोई आए गाड़ी क्रॉस करे पता चले कितनी गहरी है। ओ भाई साहब ये क्या है? ओ भाई यही होगा फिर रास्ता, तो और कोई तो रास्ता दिख नहीं रहा है यार। उनसे एक बार पूछना था कि इसी रिवर को क्रॉस करना है क्या, क्योंकि ये तो भाई सारी रिवर दिख रही है, इधर से कहाँ लूँ भाई? रास्ता तो वही है। ओ भाई भाई भाई, भाई बिल्कुल आराम से निकलना पड़ेगा भाई यहाँ से, तो पत्थर लगा था। अच्छा वो रहा रास्ता भाई, यहाँ एक मोमेंटम रखनी है, ब्रेक ब्रेक नहीं लगाने। मैंने ब्रेक लगा दिए और भाई पत्थर टच हो गया शायद नीचे। और हाँ ये रहा मंदिर, ये आ गया भाई वृद्धवासिनी मंदिर। अभी हमें थोड़ा और आगे जाना है यहाँ से। यहाँ तो भाई ऊपर में चेयर वेयर लगी हुई है, यहाँ कुछ नहीं आता क्या? नहीं यहाँ पीपल्स ज्यादा ना, पीपल्स ओके। अरे भाई ये हमारे लिए रुका हुआ है क्या? ओए यार ये तो वही भाई है ना जो मिला था हमें रास्ते में, जो मिला था हमें है ना, जो कह रहा था मेरा गांव। अरे भाई साहब हमें बहुत टाइम लगा दिया, ये हमारे लिए रुके थे क्या? मेरे को ऐसा ही लग रहा है भाई, क्योंकि अगर कोई घूमने वाला आदमी होता तो रुकता ना भाई यहाँ, यहीं का लोकल क्यों रुकता इतनी देर, जिसको अपने घर भी जाना हो। तो भाई हमें भी थोड़ा स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी अभी इनके साथ, जब हमारे लिए रुके हुए थे ये। तो यार लोग बोलते हैं कि मतलब अच्छा 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 इधर से जाना है हमें, ये गांव आ गया ये अभी। हाँ हमारे लिए रुके हुए थे। दुकान भी है बड़ी सी एक। अच्छा अच्छा नदी में इधर को चले जाना तुम। अच्छा इस तरफ बोर्ड गया, आप हमारे लिए रुके थे क्या? अरे भाई थैंक यू भाई, धन्यवाद भाई साहब बहुत बहुत। अरे भाई थैंक यू सो मच भाई। तो भाई देखा बोला था ना मैंने, ये भाई हमारे लिए रुके हुए थे यार। यार बंदा बहुत कॉर्पोरेट कर दिया बंदे ने यार। यार कॉर्पोरेट ओके, यू मीन टू से कॉर्पोरेट ब्रो। यार मैप हाँ वो दिखा रहा है आगे।
इनकटर लगता है, ये ना लग जाए गाड़ी के नीचे। आगे रिजोर्ट है क्या, नेचर रिजोर्ट आगे है तो वहाँ खाने खाने का मिल जाता है सिर्फ, मतलब रुकना नहीं है हमें, खाना खाना चाहिए। यहाँ कहीं खाने के लिए मिल जाएगा फिर कोई, ठीक है। इधर डाल लो, अरे मैं इधर डाल दूँ।
ना मिलेगा खाने के लिए, नाइट ड्राइव भी हो जाएगी अपनी, उल्टा ऋषिकेश चल पड़े हैं। तो गाइस अभी सीन ये है कि भाई हमें गाड़ी लगाने की ना जगह नहीं मिल रही कहीं भी, तो अभी हम जो रिजॉर्ट वाला पोर्शन था ना तो वहां से पीछे आ गए। एक अंकल की शॉप मिली थी, हमने उनसे पूछा कि गाड़ी लगा लें क्या, भाई उन्होंने तो बोल ही दिया कि क्यों यहाँ क्यों लगाओगे, सीधा यही बोल रहे हो। फिर मैं कि हमें रुकना है, घूमने आए हैं, तो भाई बोले कि फिर रूम लेके रुको। भाई अंकल जी हमारा बेड गाड़ी में ही है, हम गाड़ी में ही सोएंगे। तो भाई वो बोले नहीं नहीं यहाँ नहीं, आप पीछे वृद्धवासिनी मंदिर है ना वहाँ लगा लो। रात हो गई गजब की भाई, शाम तक तो सही था, दूर का दिख रहा था। अभी तो वापिस जंगल के बीच में चलना पड़ेगा हमें। नहीं जंगल तो नहीं चलना पड़ेगा, क्या पता वहां भी रुकने ना दें। हाँ अगर वहाँ ना रुकने दिया तो फिर तो जंगल के बीच से चलना पड़ेगा। हाँ, फिर हमें जाना पड़ेगा वापस हरिद्वार या ऋषिकेश, फिर देखते हैं किमसर के लिए सुबह आएंगे फिर वापस, और क्या कर सकते हैं फिर। ये आ गया गांव का रास्ता, शायद यही था ना। हाँ यही था गांव में। नहीं, 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 नहीं था। यही था भाई, ये नहीं है। अरे यही है, आगे मंदिर आ गया भाई मेरे हिसाब से तो। यही नहीं, ये नहीं है। देखो ये आ गया मंदिर, क्या लिखा हुआ है, पंडित शिवम की स्टोर। वही था गांव का रास्ता, चले एक बार ऊपर। चलो एक बार चलते हैं। तो भाई ऊपर एक बार बात करके आते हैं क्या सीन है, गाड़ी वाड़ी कहाँ लगा सकते हैं। तो भाई अभी ऐसा सा हो गया टाइम, 9 बज गए, दिखाता हूँ मैं, बज गए। और भाई अभी थोड़ा सा घूम के आए हैं अभी जंगल में अंदर। और भाई अभी देखो ऐसा कुछ सामान यहाँ रख दिया, सारा सामान आ गया आराम से। हाँ बस ये है 5-10 मिनट की मेहनत तो है भाई, सामान सारा ऐसे सेट कर दिया आगे। और अभी हम खाना खा रहे हैं, तो खाने में भाई अभी आलू के पराठे हैं और हमने अंडे की भुजी बनवा ली। और ऐसे बैठे हैं अपने अभी आराम से, अभी दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा फ्लैश ऑन करके, देखो आराम से बैठे हैं अपना चिल कर रहे हैं। और थोड़ी देर में ये सब सामान उठा के ये टेबल वेबल फोल्ड करके ये आगे आ जाएगी और अपना आराम से यहाँ सो जाएंगे हम। और भाई बाहर का नज़ारा कुछ, बाहर का तो क्या ही दिखेगा, बट ठीक है फिर भी थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। देखो बाहर का कुछ ऐसा सीन है, एक सेकंड में इसकी भी फ्लैश हूँ। तो भाई बस ऐसा ही कुछ दिख रहा है यहाँ, तो ये इतना ट्रैक्टर खड़ा है, सामने पहाड़ियाँ हैं, ऊपर देखो माता मंदिर है, और यहाँ बस ऐसे थोड़ा सा मैगी वगैरह पॉइंट बने हुए हैं। तो भाई चलो खाना वाना खाते हैं और दिखाता हूँ फिर कैसे सोते हैं थोड़ा वो भी, और फिर बाकी तो सुबह मिलते हैं।